नर्सिंग घोटाला और बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे युवा कांग्रेस। युवा सम्मेलन में शामिल हुए युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मृतेंद्र यादव। नीट नर्सिंग मामले सहित जिले की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मृतेंद्र यादव अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार की रात्रि को कटनी से पन्ना पहुंचे थे और जिला मुख्यालय पन्ना के इंदुपुरी कॉलोनी स्थित एवरसाई गार्डन में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में शामिल होकर पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरने का कार्य किया गया। जिला स्तरीय युवा कांग्रेस सम्मेलन में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, विकासखंड पदाधिकारी, मंडल सेक्टर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल थे। आयोजित युवा सम्मेलन में संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मृतेंद्र दर्शन सिंह यादव द्वारा युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस का संगठन जितना मजबूत होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। युवा कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मजबूती करने और सत्ता सरकार से प्रदेश में लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आज जिला अध्यक्ष ने जो पन्ना के अंदर जो ज्ञापन का प्रोग्राम रखा, उस मुख्य मुद्दे के केंद्र बिंदु थे कि नर्सिंग घोटाला में जो परिवार पीड़ित हैं उनको लेके सरकार की अभी तक क्या योजना है और उनको क्या कंपनसेशन दिया जा रहा है जिन बच्चों को उन कॉलेजों से निरस्त करके निकाला गया। दूसरी मुख्य बात कि इस पन्ना के अंदर अस्पताल में कई बच्चों की मौत हुई है, उसको लेके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके क्या सरकार की योजनाएं, जो अभी तक सोनोग्राफिक मशीन 3 साल से नहीं है, जब यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स नहीं है, यहाँ पर वो पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो सरकार क्या कर रही है, पद क्यों नहीं भर पा रहे हैं, उसका कारण मैं बताता हूँ। ये नर्सिंग घोटाला उससे भी जुड़ा हुआ एक बिंदु है। जब आप नर्सेज ही नहीं दोगे, जब आप डॉक्टर ही नहीं दोगे, 4 साल में 1 साल का पेपर हो रहा है, तो ऐसे ही पद रिक्त रहेंगे, कहाँ से आएंगे। तो ये मुद्दे आपस के जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर पन्ना जिले में कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और घेराव के साथ हम तब तक बैठेंगे जब तक जनता की आवाज और जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था को पन्ना में ठीक नहीं कर दिया। अभी एक मामला बताया था कि 50-60 करोड़ की रोड बनी है और वो 50-60 गुन्नौर से जो रोड बनी हुई है उस रोड पे जैसे के कहां सकरिया डिगोरा, तो आज उस सकरिया डिगोरा की जो रोड डली है वो अभी से गड्ढे करने लगी है, तो कितना घपला हुआ है। उसके तहत हम RTI भी लगवाएंगे जिला अध्यक्ष के तहत, उन पे कार्रवाई की भी मांग करेंगे और अगर वो ठीक नहीं होती है तो उसी रोड पे बैठ के हम चक्का जाम करेंगे और जनता को बताएंगे कि ये भाजपा के कार्यकाल में सिर्फ लूटने का काम और शोषण का काम चल रहा है, जनहित का काम नहीं चल रहा है।